अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर पेपर कैसे बनाते हैं घर में। तो आप बटर पेपर बनाने के लिए कोई भी पेपर ले सकते हैं, नोटबुक के लाइनिंग वाले भी चल जाएंगे, बट मैं इस तरीके के ड्राइंग बुक के पेपर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये दोनों साइड से क्लियर होते हैं तो बटर पेपर एकदम अच्छा बनेगा। तो आप ड्राइंग बुक में वैसे भी बहुत सारे पेपर हो सकते हैं, इसके लिए आप एक ड्राइंग बुक ला के उससे बटर पेपर बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो पेपर फाड़ लूँगी। तो ये बटर पेपर हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस तरीके की प्लेट नीचे रख लेंगे क्योंकि हमें इस पर ऑयलिंग करनी है, तो ऑयलिंग नीचे भी लग जाएगी और हमारा पेपर गंदा हो सकता है इसलिए। और यहाँ पे ये एजेस जो मैंने कट किए थे, वो जो फाड़ा था मैंने पेपर, उससे सही नहीं हुए हैं, इसलिए मैं कैंची की मदद से इसे अच्छी तरीके से कट कर लूँगी ताकि हमें एकदम स्ट्रेट लाइन मिल सके। इसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा कप में ऑयल ले लूँगी क्योंकि हमें इस पर ऑयलिंग करनी है। और यहाँ पे ले लूँगी मैं एक सिलिकॉन ब्रश। अगर आपके पास सिलिकॉन ब्रश नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी इस तरीके से ऑयल लगा सकते हैं, बट अगर ब्रश है तो फटाफट ऑयल लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अभी पेपर के ऊपर ऑयलिंग कर लूँगी अच्छे तरीके से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिस किस तरीके से मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप लोगों को भी इसी तरीके से ऑयल लगा लेना है। और पूरा पेपर हमें ऑयल में कवर करना है क्योंकि बटर पेपर है, एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इसे केक में यूज़ कर रहे हो और अगर एक भी पार्ट छूट गया तो केक पे ये चिपक जाएगा और फिर निकलेगा नहीं, तो केक भी सही नहीं बनेगा, इसलिए ऑयलिंग हमें एकदम अच्छी तरीके से करनी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से पेपर को ऑयल लगा लिया है चारों तरफ से। अगर आप अच्छे से ऑयलिंग करेंगे तो ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका मतलब बहुत अच्छे से ऑयलिंग लग चुकी है। ऑयलिंग करने के बाद ये सी थ्रू तो है बट ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके का टिश्यू ले लेंगे। अब टिश्यू नहीं है तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं और टिश्यू की मदद से हम एक्सेस जो ऑयल है इसके ऊपर वो क्लीन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं चाहिए हमें। तो इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑयल है इसके ऊपर, तो ये एक्सेस ऑयल हम क्लीन कर लेंगे। एक साइड से क्लीन करने के बाद जब हम इसे उठाएंगे तो हम प्लेट को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे क्योंकि जब हम पलटेंगे और अगर फिर से नीचे ऑयल होगा तो वापस उसके ऊपर लग जाएगा। तो एक टिश्यू मेरा बहुत भर चुका था इसलिए मैंने साइड में रख लिया है और दूसरे टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। अभी मैं इस साइड को पलट लूँगी पेपर के और सेकेंड वाली साइड भी अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर लूँगी। तो हमारा पेपर बिल्कुल रेडी है, अभी मैं सेकेंड वाले पे भी आपको करके बताती हूँ। और इसके आगे मैं आपने बताया है कि किस तरीके से आपको परफेक्टली कट करना है बटर पेपर को मोल्ड के हिसाब से। बटर पेपर तो हमारे रेडी है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मोल्ड के हिसाब से हमें इसे परफेक्टली कट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे टू पीसेस में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद में फिर से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और जो लास्ट का कॉर्नर है इसे पकड़ के हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जैसे पाइपिंग बैग होती है उसका शेप आना चाहिए। अभी हम मिडल पॉइंट पकड़ेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और चेक करेंगे कि परफेक्टली सर्कल है कि नहीं। इस तरीके से माप करके हम इसे अभी कट कर लेंगे। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं परफेक्टली। ज़्यादा कट गया तो इट्स टोटली ओके, बट छोटा कटना नहीं चाहिए। थोड़े से राउंड शेप में हम इसे कट करेंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं कट करना है बिकॉज हमारा मोल्ड राउंड है। मैं इसे खोल कर बताती हूँ, देखिए परफेक्टली सर्कल। ओके, अभी हम इसे ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि ये परफेक्ट साइज़ है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं इसे फिर से फोल्ड करूँगी और थोड़ा सा और कट करूँगी। ये बहुत इजी वे है सर्कल मोल्ड के लिए बटर पेपर कट करने का। सो मैं मोल्ड सीधा कर लेती हूँ और देखती हूँ इसके अंदर ये परफेक्टली फिट होता है कि नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्टली फिट हो चुका है। तो यही तरीका है परफेक्टली बटर पेपर कट करने का और घर पे बटर पेपर बनाने का। तो मैंने दो ही इंग्रेडिएंट से ये बटर पेपर बना लिया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है घर पे बनाना ये।
और ये परफेक्टली यूज़ भी होता है। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार इसे यूज़ करके भी बता दूँगी मेरी एक वीडियो में। सो गाइज़ रेडी है बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनने वाले ये बटर पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज़। अपना ख्याल रखिए, बाय गाइज़।